तो गुरुजी मुझे जब मिले तो मैं उस टाइम मैं 3 साल का था। तो गुरुजी से जब मैं मिला तो गुरुजी मुझे बहुत संबोधित किए कि तुम बहुत अच्छे बनोगे, अच्छा पढ़ाई करो, तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। तो समय जाता गया, मैं जब 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, तो एक समय मेरे जीवन में ऐसा आया कि 12वीं पास करने के बाद मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, तो गुरुजी से राय लिया। तो गुरुजी ने कहा कि तुम साइंस लेकर पढ़ो, तो मैं फिर साइंस लेकर ही पढ़ा। तो एक समय भी ऐसा है कि मेरी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो चुकी थी तो फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिली। तो फिर मैं जब धोरी घाट उत्तर प्रदेश में जब वहाँ पे यज्ञ हुआ था, अश्वमेध महायज्ञ में जब गया था, तो वहाँ पे जब मैं गुरुजी से मिला तो मैंने अपनी व्यथा बताई कि गुरुजी ऐसी सी बात है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है इतनी पढ़ाई करने के बाद भी। तो उस टाइम पे गुरुजी ने मेरा नामकरण किया। उस टाइम पे गुरुजी ने मेरा नाम अमित से राहुल रखा है, बालाचार्य राहुल जी। तो जैसे ही मेरा नाम राहुल पड़ा, उस दिन से मेरी किस्मत खुल गई और ऐसी खुली कि आज मैं मर्चेंट नेवी में हूँ और सफलता मुझे मिलती गई। इवन कि मैं जब पहली बार जब मैं शिप ज्वाइन किया ऑस्ट्रेलिया से, तो मैं मतलब ज्वाइनिंग के टाइम पे मतलब मैं बिल्कुल ही अकेला था, तो मैं गुरुजी के मन ही मन याद करता गया। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग मुझे मिल जाते थे, भारत के लोग मुझे ऑस्ट्रेलिया मिले। उन लोगों ने बुझाया कि आपको ऐसे ऐसे करना है, वैसे करना है, तो वहाँ जाना है। तो सोचिए, इतने बड़े देश में कोई सपोर्ट करे आपको, अनजान व्यक्ति, तो गुरु की ही कृपा हो सकती है वो। उसके बाद फिर मैंने जब शिप ज्वाइन किया, तो वहाँ पे जाने के बाद भी मेरा काम बहुत ही आसान हुआ, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, अपने यूपी के लोग मिले जो कि मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे काम सिखाया। फिर मुझे वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से मैं सिंगापुर गया, सिंगापुर से ब्राज़ील, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, उसके बाद आप मलेशिया, ऐसे बहुत सारी देश है जहाँ पे मैं घूमा हूँ और काम भी सीखा, सब कुछ किया। और मेरा रिकॉर्ड शिप पे इतना अच्छा रहा, कंपनी में इतना अच्छा रहा, ये परम पूज्य श्री सतगुरु जी महाराज की वजह से मेरा रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा कि मतलब आज मुझे प्रमोशन भी मिलने वाला है। मैं 26 तारीख को मैं मुंबई जाने वाला हूँ, वहाँ पे मैं जाके अपना सर्टिफिकेट जमा करूँगा, रिकॉर्ड तो बताऊँगा, तो कंपनी मुझे प्रमोशन भी देगी। और गुरु जी की कृपा से मेरी आज घर के जितने भी लोग हैं, मेरी माता जी, मेरे पिताजी, सब उनके आशीर्वाद से बहुत ही खुश है। और मेरा सफलता का कारण बस एक ही है, मातोश्री परिवार और मेरे गुरु जी परम पूज्य और सतगुरु जी महाराज की वजह से आज मेरा परिवार बहुत ही कुशल है। जय माता की। बहुत बढ़िया। परम पूज्य श्री सतगुरु जी महाराज पर पूर्ण विश्वास व्यक्ति को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है ये कोई नहीं जानता। पूज्य सतगुरु कब किसके ऊपर अपनी कृपा बरसा देंगे ये वही जानते हैं, और जिसके ऊपर बरसाते हैं वो समर्पित रहने वाला ही व्यक्ति होता है जो सतगुरु के प्रति पूर्ण आस्था और विश्वास रखता है। तो फिर हम मिलते हैं आपके साथ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए मातेश्वर संसार, और फिर मिलते हैं।